शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं जुगल किशोर, आप देख रहे हैं खबर 7 सी न्यूज चैनल। चलिए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। विकास नगर देहरादून डाक पत्र जेई क्लब में आरएल गुरु विजय समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मैं छात्र छात्राओं को अपना आशीर्वाद देने आया हूं। दूसरी तरफ पूर्व सीएम ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां छात्रों को साल भर करना चाहिए, इसे छात्र छात्राओं में शैक्षिक विकास होगा। वहीं आरएल ग्रुप के सभी संगठनों को एक मंच पर आना चाहिए। वहीं सीएम श्री हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों से बच्चे काफी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकारी शिक्षा की बदहाली पर चिंता व्यक्त की। हरीश रावत ने कहा कि हम सबको बहुत ही शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री, पूर्व जल संसाधन मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के, इसी कड़ी में मैं वर्तमान महासचिव अर्चना चौहान जी से निवेदन करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेजकर आपके कार्यक्रम का कार्यक्रम में आज एक बार फिर आप उपस्थित हुए। बहुत रचनात्मक संगठन है, मुझे बेहद खुशी है इनके कार्यक्रम में आकर के। और मैंने इनसे और एनएसवाई के दोस्तों से कहा है कि ये लोग साल भर मिल करके ऐसे कुछ रचनात्मक कार्यक्रम करें जिससे इस डिग्री कॉलेज के हर तरीके का विस्तार, जिसमें शैक्षिक विस्तार भी संभव है, उन्नयन संभव है, उसके वो उसकी दिशा में मिल करके कार्य करें। और यहाँ मुझे अच्छा लगा कि यहाँ के छात्र छात्राओं का जो रुझान है वो चतुर्दिक विकास की तरह है। मैंने उनको आशीर्वाद दिया है कि और आगे बढ़े, हम भी उनके लिए।